अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फ्राइड फिश की रेसिपी। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 किलो रोहू फिश है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करवा कर इसके पीसेस कर लिए थे, तो आपने इसको अच्छे से धो देना है। इसमें आपने 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही अजवाइन डाल के इसको लगा कर छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। उसके बाद आपने इसको अच्छे से धो लेना है, और ये इस स्टेज पे मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने भी इसको ऐसे ही नमक और अजवाइन लगा के धो लिया था। यहाँ पे ये मैंने खुश करके रखी है। तो यहाँ पे जो मेरे पास स्पाइसेस हैं ये 11 हैं। इन 3 चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़ है वो 1/2 टेबल स्पून है। तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे मेरे पास अजवाइन है 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर है मेरे पास 1/2 टेबल स्पून, अदरक पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, लहसुन पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टीस्पून। नमक चूँकि मैंने इसमें भी डाला था, और वो मछली जो होती है उसमें नमक आ जाता है फ्लेवर, तो इसलिए मैंने नमक कम ले लिया है। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कर लेना है एडजस्ट। यहाँ पे हल्दी है 1/2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च भी 1/2 टेबल स्पून है। यहाँ पे मैंने सिरका लिया है 1 टेबल स्पून। अच्छा, सिरके की जगह आप लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों यूज़ हो सकते हैं इसमें। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 5 अदद सब्ज़ मिर्चें थी दरमियाने साइज़ की, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास वॉस्टर सॉस है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। वॉस्टर सॉस की जगह आप इमली का पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम ये सारे स्पाइसेस मिक्स करके मछली को लगाते हैं। फ़िश मैं साइड पे रखूँगी, और यहाँ पे मैं एक छोटा बाउल रखूँगी। तो सबसे पहले इसमें मैं जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल देती हूँ। सिरका जाएगा इसमें, सब्ज़ मिर्च जाएगी, सॉल्ट चाहिएगा, लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर डाल दूंगी मैं, अजवाइन जाएगी, हल्दी जाएगी इसमें, ज़ीरा पाउडर जाएगा, सूखा धनिया, और सबसे एंड पे पिसी हुई लाल मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें, ये सारे का सारा जो हमारा मसाला था वो अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देख सकते हैं दरमियाना सा, ज़्यादा पतला नहीं है ना ज़्यादा ही थिक है। तो अब मैंने ये मसाला फिश में लगाना है। पहले मैं स्पून की मदद से लगा दूँगी। जिन लोगों को हाथ पे बड़ी जल्दी मिर्च लग जाती हो वो फिर अपने हाथ पे ग्लव्स चढ़ा लें, या फिर किसी चम्मच की मदद से अच्छे से इसको मिक्स कर लें। तो ये मैं ऊपर नीचे पहले मसाले को लगा दूंगी। अच्छा, जो सालन के लिए फ़िश होती है उसके पीसेस कुछ और अंदाज से किए जाते हैं, जो हमने फ्राई करनी होती है उसके पीसेस इस अंदाज़ से कटवाए जाते हैं। अब मैं हाथ से सारा मसाला इन पीसेस के ऊपर स्प्रेड कर दूंगी। मेक श्योर हर पीस अच्छे से कोटेड हो जाए मसाले से। अच्छा जी, ये मैंने अच्छे से मसाला लगा दिए, अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। अच्छा, 4 से 5 घंटे भी आप अगर इसको रखें तो आपके लिए नफ़ है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स के लिए आपने इसको पूरे 24 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, यानी कि पूरे 1 दिन बाद आपने इसको फ्राई करना है। इस तरह क्या होगा कि जो सारे मसाले होंगे अच्छे से इसमें रच बस जाएंगे, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी मछली का। तो मैं इसको 24 आवर्स के लिए रखूँगी, और 24 आवर्स के बाद हम मिलते हैं। ओके जी व्यूअर्स, 24 घंटे के बाद मैं दोबारा से आपके पास आई हूँ। 24 घंटे पहले यानी कि कल के दिन मैंने इसको मैरिनेट किया था, और इसको 24 घंटे हो चुके हैं। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक फ्राइंग पैन रखा है, तो मैं इसमें अब ऑयल डालूँगी। अच्छा जी, अब मैं इसको चूँकि शैलो फ्राई कर रही हूँ तो मैंने उतना ही ऑयल डाला, तकरीबन आधी प्याली होगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ कि जो फ़िश होती है उसकी 2 साइड होती है, एक ये साइड होती है एक ये होती है। तो जब हमने इसको फ्राइंग के लिए डालना है तो आपने ये वाली साइड इस तरह से पहले डालनी है। अगर आप इसकी स्किन वाली यानी कि ऊपर वाली साइड पहले डाल देंगे तो ये चिपक जाती है, तो हम इस वाली साइड को इस तरह से नीचे डालेंगे। इसी तरह मैं एक और पीस इसमें डाल दूँगी। अब आपने इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक रेस्ट देना है कि जो इसके नीचे वाला हिस्सा है वो प्रॉपर कुक हो जाए।
अच्छा जी, तकरीबन 1.5 मिनट गुजर चुका है, तो अब मैं इसको पलट लेती हूँ। अच्छा कि देखें कितना प्यारा कलर आ गया। तो अब तकरीबन आपने 20 सेकंड इसको रेस्ट देना है और उसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। अच्छा तकरीबन 20 सेकंड हो चुके हैं, तो अब हमने क्या करना है कि फ़िश को आपने हल्का हल्का सा किसी फ्लैट चमचे से दबाना है ताकि इसमें जो पानी है लॉक हुआ हुआ वो इसमें से निकल जाए, ऑयल इसके अंदर जाए और ये अच्छे से पक जाए। अगर आप इस तरह से नहीं कहेंगे तो कच्चापन जो होता है ना फिश में वो रह जाता है। तो बस आराम आराम से आपने इसको प्रेस करना है। अच्छा जी व्यूअर्स, इसको 2 मिनट हो गए हैं एक साइड से पकाते हुए, तो मैं इसको हल्का सा दोबारा प्रेस करूँगी। अच्छा अब इधर अगर शोर हो ना, यानी कि बहुत ज़्यादा बबल्स बनने लग जाएं, यानी कि जैसे ऑयल में थोड़ा सा भी पानी जाए तो जितना शोर होता है, तो अगर वो नहीं हो रहा तो मतलब इसका अंदर से जो पानी था वो सारा निकल चुका है, कुक हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पलट के हल्का सा दूसरी तरफ से दोबारा से फ्राई कर लेंगे। अच्छा फिश को फ्राई होने के लिए बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है, जल्दी गल जाती है, तो आपने इसको ओवर कुक नहीं करना। अब बस हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए उस तरफ से पकाएंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, अब इसको दूसरी साइड से भी मैंने तकरीबन 1.5 मिनट से फ्राई कर रही हूँ, तो हल्का हल्का सा मैं दोबारा प्रेस करूँगी ताकि जो पानी है फिश का वो निकले। इसको आपने लो आंच पे पकाना है। ऑयल तो मैंने बहुत अच्छे से गर्म कर लिया था, लेकिन जब एक बार आपने मछली डाल देनी है तो फिर आपने आंच इसकी लो कर देनी है। अच्छा जो इसके ऊपर स्किन है उसका कलर डार्क है काफ़ी, तो ये जली हुई नहीं हुई, क्योंकि इसको मसाले भी लगते हैं जब ये फ्राई होते हैं तो ये डार्क हो जाते हैं, तो आपने ये नहीं करना कि आप इसको उतार दें, क्योंकि इस पे ही सारा टेस्ट होता है, तो आपने इसको इस तरह से ही रहने देना है। इसको हम थोड़ा सा लाएंगे इसकी जगह से। अब मैं इसको पलट लूँगी। देखें कितना प्यारा कलर उग गया दूसरी साइड से भी। तो हम दूसरी साइड से, स्किन वाली साइड से इसको थोड़ी देर और फ्राई करेंगे। अच्छा जब इसका पानी निकलना बंद हो जाए तो इसका मतलब है कि जो आपकी फिश है वो अच्छे से रेडी हो गई है। अच्छा जी अब टाइम आ गया कि हम इसको डिश आउट करें, तो इन दोनों पीसेस को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। जी तो व्यूअर्स, हमारी फ्राइड फिश तैयार है, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये फ्राई होने के बाद कैसी है। ये देखें कितनी मज़ेदार और कितनी टेंडर और कितनी जूसी बनी है।